पे। वाह बढ़िया, टेस्ट इज गुड। अच्छा टेस्ट इज गुड, या अभी बन रहा है स्पेशल कैलाश उड़पी का मसाला डोसा। मसाला डोसा अभी आप देख सकते हैं मसाला डोसा कैसा बनता है। देखिए दोस्तों, ये है अहमदनगर का कैलाश उड़पी का स्पेशल मसाला डोसा, बिल्कुल बाहुबली साइज में, काफी क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी। दोस्तों महाराष्ट्र फूड सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग इसको चल रहे हैं अभी महाराष्ट्र फूड सीरीज के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और आप देख रहे हैं ये पीछे भीड़ ये लगी है यहाँ पे अहमदनगर के कैलाश उड़पी सेंटर में, जो यहाँ पे इडली वड़ा सांभर काफ़ी फेमस है, और इनके वैसे तो सभी आइटम यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग ये नाश्ते में पसंद करते हैं, और आप ये भीड़ जो देख रहे हैं ये उसी का एक सबूत है। तो चलिए हम बात करते हैं इस कैलाश उड़पी के रेस्टोरेंट ओनर से। सर नमस्ते। नमस्ते जी, आपका नाम सर? उमेश भोसले। अभी आपका कैलाश उड़पी ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और अभी तो महाराष्ट्र में भी काफी हम नाम सुने हैं, जैसा मुंबई पुणे के भी लोग यहाँ पे आते हैं, नासिक से लोग यहाँ के नाश्ते को प्रिफर करते हैं, जब भी नगर में वो लोग आते हैं तो कैलाश उड़पी का ही नाम आता है। डेफिनेटली। तो सर ये इसके पीछे क्या कारण क्या है? अभी हमारी जो ये ब्रांच है इसको 80 से चालू हुआ है। ओके। उसको हो गया 40-42 साल। तो सबसे ज्यादा इसमें है काजू पेटिस उपवास का जो मिलता है, साबुदाना वड़ा और काजू पैटिस दोनों को मिला के बनता है टक्कर। टक्कर इसके लिए फेमस है। दूसरा है काला सोना। काला सोना बोले तो अपना गुलाब जामुन आता स्वीट, वो है। बाकी जो वड़ा सांभर है वो रेगुलर वड़ा सांभर नहीं, थोड़ा अलग है, डिफरेंट। उसके अंदर जो सांभर आता है वो सांभर कम आमटी, बोले तो महाराष्ट्रीय और साउथ इंडियन दोनों का कॉम्बो है, इसलिए उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग है। वो आप खुद अगर टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको ये काला सोना जो बोलते हैं ये कैसा होता है, और ये जो अभी टक्कर जो बोले वो टक्कर वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए जो काला सोना बोलते हैं, एक्चुअली तो स्पेशलिटी इज हियर इज टक्कर प्लेट। इट्स वेरी वेरी मच, आई मीन इट्स वेरी मच डिलीशियस हियर एंड all of Nagar, and I guess half of the Nagar will come here if you say that South Indian food, because in whole of the Nagar South Indian food is only famous in Kailash Udupi. Kailash Udupi, yeah. Okay. And hence all of us like it, and the taste here is very much good, way better than others here. Oh, so that's why you come here. Yeah. Eating dosa. Yes. Okay so thank you. Thank you so much. सांभर में भीगा हुआ उड़ीद वड़ा, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सांभर में भीगा हुआ उड़ीद वड़ा, यहाँ पे ऐसे सर्व होता है कस्टमर के लिए, जो काफी इसमें क्रिस्पी टेस्ट आता है, पूरा सांभर का इसमें जो टेस्ट है ये इस वड़े में उतरता है। Yeah. और सर जैसा हम देख रहे हैं ये आपके यहाँ पे जो वर्कर है ये काफी पंचुअलिटी के साथ अपना वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने साफ सफाई का काफी ध्यान रखा है, और आपका हर प्रोडक्ट ये हाइजीनिक है ये कैसा मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आप काफी साल से यहाँ पे ये आपकी क्वालिटी वगैरह सब टिका कर हो, आपका उस टाइम भी वही क्वालिटी था और आज भी वही क्वालिटी है, तो ये आप कैसा मेंटेन करते हो? मेंटेन करने की बात ऐसी है, हमारे जो पिताजी है इस ब्रांच के, बोले तो इस पूरे प्रोडक्ट के ओनर, जिन्होंने हर चीज़ खुद सर्च करके बनाई है, जैसा कि आलू वड़ा सांभर है, मेदू वड़ा सांभर है, या आपका साबुदाना वड़ा है, काजू पैटिस है, गुलाब जामुन है, डोसा भी है, वो हर चीज़ उन्होंने सर्च किया उसके ऊपर, जो उनको सही लगा खुद को खाने में टेस्ट में, और जो कस्टमर को पसंद आया कि वो अपने को कैसी टेस्ट चाहिए, ऐसी टेस्ट चाहिए, वैसी टेस्ट चाहिए, उसके साथ साथ में उन्होंने ध्यान क्या दिया कि अपनी क्वालिटी के साथ में ध्यान जो दिया वो अपनी सर्विस फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो होटल है वो बिल्कुल ही मार्केट प्लेस में है, यहाँ पर जो लोग आते हैं शॉपिंग के लिए आते हैं, शॉपिंग होने के बाद में उनको ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो उसी समय में नाश्ता करके
तुरंत निकल जाना, या जो शॉप है उसमें के जो वर्कर है उनको 10 या 15 मिनट का ब्रेक रहता है, उस ब्रेक में ही आना है और खा के जाना है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है समय, समय के लिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। जो भी ऑर्डर होता है फास्ट सबसे फास्ट क्वालिटी फास्ट, और उसके साथ में ध्यान देना पड़ा। सबसे बड़ी बात है तो ये स्वच्छता, आजकल कैसा है हर चीज़ मिलती है हर जगह पर मिलती है, लेकिन वो कितनी क्वालिटी की सही क्वालिटी की मिलती या नहीं मिलती, उसके साथ में उसको हाइजीन है या नहीं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी। अपने इधर अपने ज़्यादा ध्यान जो दिया वो क्वालिटी के साथ में हाइजीन की तरफ ध्यान दिया, और वही आदत उनकी आदत मुझे और मेरी आदत वर्कर को लगती, उसके वजह से सब चीज़ एकदम ओके हो गई। ये आपके जो फादर है ये उनकी देन है? उनकी देन है। ओके, आपकी कोई ब्रांच है नगर में? ब्रांच अपने दो ही है, एक यहाँ पर है और एक प्रोफेसर कॉलोनी चौक है वहाँ पर है, वहाँ पर हमारे छोटे भाई साहब बैठते हैं। सर यहाँ का एड्रेस बताइए। किस्ते गली है अहमद नगर, और जैसे कि बाजू में दरगाह है, दरगाह के बाजू में ऐसा है। दीवार पे हमने देखा है एक ठेले का भी ठेला लगा है। वो अपने ठेले की बात ऐसी है, हमारे पिताजी ने वो ठेला चालू किया, वो चालू किया 1980 में, तो उसके ऊपर उन्होंने ये पूरा प्रोडक्ट स्टार्ट किया, वो ये ठेले से शुरू हुई थी। ये ठेला बोले तो वही उसका डेमो हमने। अच्छा, ये ठेले का डेमो आपने बना के रखा है, ये काफ़ी कम जगह पे ऐसा देखने मिलता है। सबसे बढ़िया ये काम है कि 80 से जो हमारे ओपनिंग से कस्टमर है वो आज भी हमसे जुड़े हैं, कोई नासिक में है, कोई पुणे में है, कोई बॉम्बे में है, कोई और जगह पर है, लेकिन जब भी वो आते हैं हमें विजिट देके जाते हैं और खाने के बाद में धन्यवाद देके जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम।